Dirt grind! कौन हो तुम लोग? भागने ना पाए, भागने ना पाए माखन, कातल। चलो। अजिंक्य। डिस्कार्ड। क्या है ये? मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे भी अपने साथ। इसमें कील ढोक दो। नहीं, ये पिशाच है। पिशाच? ये खून पीने वाले दरिंदे हैं। ये लोहे से नहीं, लकड़ी से मरते हैं, और वो भी बरगद के पेड़ से बनी नुकीली लकड़ी से। बरगद की लकड़ी? अब इस जंगल में बरगद की लकड़ी कहाँ ढूंढेंगे? ढूंढना पड़ेगा वीर, पास के गांव में जाकर देखो, किसी मंदिर के पास। तब तक मैं इसे रोक कर रखता हूँ। तुम अकेले यहाँ कैसे? कोई ना, मेरी चिंता मत करो, जब तक मेरे पास ये यंत्र है ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई ना, लेके जाओ यहाँ से, और इस लड़की को जाओ यहाँ से जल्दी। ओके ब्रदर। ये ले। मुझे नहीं उन्हें। आखिरी निशान है क्या? देर मत करो, चलो वीर। बरगद का पेड़ कहाँ ढूंढे? वो वहां गांव है, वहां चलकर ढूंढते। ठीक है, चलो। पी जाऊंगी। चल दो मुझे, चल दो मुझे। खोल, खोल इस दरवाजे को, खोल, खोल इस दरवाजे को। निष्कर्ष। पहले ये बताओ, कौन हो तुम दोनों और क्यों बांध रखा था उस लड़की को? बताता हूँ, बताता हूँ। पहले मुझे सांस तो लेने दो। क्या है ये Yeah.
उड़िया सामने आ, तेरा माखन तुझे अकेला छोड़कर भाग चुका है। सब मुझे अकेला छोड़कर चले गए, मैं यहां हूं। तुम भी बिल्कुल अकेले हो ना, मेरी तरह। तुम्हें सब छोड़कर चले गए, तुम्हारी अपनी माँ भी। अपनी माँ से मिलना चाहोगे? हाँ। मैं तुम्हें उस तक ले जाऊंगी अचिंक्य, वो देखो। तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है अजिंक्य। माँ, कोयना चुपना बेकार है। कोयना भी बहुत कोशिश की थी बचने की, लेकिन देख मुझे, कस्तूरी तुझे भी नहीं छोड़ेगी। अगली बारी तेरी है। कहाँ है तू? कैसा लगा मेरा छल? मेरे रूप में अभी भी वही नशा है। मेरी कुर्सी मेरी शक्ति है और तेरी कुर्सी तेरी कमजोरी। तो मुझे माफ कर देना।
तुम ठीक हो कोई ना? थोड़ी देर और लगाता तो जवाब देने के लिए जिंदा नहीं बचती मैं। लो, एक तो मदद करो ऊपर से। शादी से पहले ही हाल है तेरा, तो शादी के बाद क्या करेगी? शादी करेगी तुझसे मेरी जूती। चलो इंस्टॉलमेंट्स में ही सही तैयार तो हुई। पहले जूती, फिर पैर, फिर टांग, फिर कमर। अरे अरे क्या कर रही है? फिर से जिंदा करना उसको? ये लेके हमें वापस जाना है अजिंक्य के पास, बरगद की नुकीली लकड़ी। ओ ब्रदर, ब्रदर को तो मैं भूल ही गया था। लेकिन मैं नहीं भूली। अब क्यों वापस आया है भगोड़े कहीं के? ये बताने आया हूं ठाकुराई कि जब तक वो दूसरा लड़का उस लड़की के साथ है हम उसे नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वो एक तृतीय है। क्या तृतीय? मुझे वो लड़की चाहिए, उसके जैसा रूप मैंने आज तक नहीं देखा। मुझे उसका रूप चाहिए। अच्छा तो ये बात है। लेकिन कैसे ठकुराई? मैं नहीं जानती, लेकर आओ उसे। लेकिन उससे पहले इसका सर काट, काट इसका सर। लेकिन ठकुराई, इसके पास वो यंत्र है। डेडबॉक, यंत्र छूट गया है इससे। यानी आज रात को हम इसके खून से नहाएंगे। मैं तुम्हें कोई ना ला कर दे सकता हूं। सुतिया का नाम वीर है और वो सिर्फ मुझ पर भरोसा करता है। मैं उसके भरोसे का फायदा उठा सकता हूं। तू ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि तुमने मुझसे कहा कि तुम मुझे मेरी मां से मिलाओगे। शायद तो उसके बदले मैं तुम्हें वीर से छुड़ाकर कोयना ला कर दूंगा। और ना लाया तो मेरा सर काट देना। ये जुर्माना ठाकुराई बचने के लिए। तुम मेरा मन पढ़ सकती हो, तब तो तुम्हें पता ही होगा कि इस दुनिया में अगर मुझे कुछ चाहिए तो वो है मेरी माँ का पता पाने के लिए। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी की भी कुर्बानी ले सकता हूँ। कोई ना, हम गांव चल के कुछ लोगों को साथ ले चलते हैं। तुझे जाना है तो जा, मैं अकेले चली जाऊंगी अजिंक्य को बचाने। क्या तू हमेशा मेरा उल्टा बोलती है? अब ये घर कहाँ है? रुक, मेरे टेम्पो के तेल का लीकेज देखा? डरो मत, मैं इसी जंगल में रहता हूँ। अबे वो माखन भी तो यही रहता है। मैं उस जैसा नहीं हूँ, पर पहले वो भी मेरे जैसा था, लेकिन अब वो मेरे जैसा नहीं। क्या क्या बोल क्या रहे हो तुम? तुम दोनों बहुत बुरी जगह फंस चुके हो, खास तौर से ये कस्तूरी का जंगल है। कौन कस्तूरी? बुंदेली की ठकुराइन, जिसकी उम्र 180 साल है। यानी कि वो बुढ़िया, वो वही जो अंदर कमरे। लेकिन वो तो माखन की माँ है ना? नहीं नहीं, वो उसकी माँ नहीं, उसकी मालकिन है, जिसके लिए वो तुम जैसी खूबसूरत लड़कियों को पकड़ कर लाता है, ताकि वो अपनी दांतों से उनके खून के साथ उनकी जवानी भी चूस ले। तुझे ये सब कैसे पता? क्योंकि मेरी बड़ी दीदी को भी उसने ऐसे ही मारा था, तब से मैं इस जंगल में उस ठकुरानी से बदला लेने का मौका ढूंढ रहा हूं। इस बरगद की लकड़ी की बनी तीर से
लेकिन वो अपने हर शिकार के साथ और भी ताकतवर होती जा रही है, इसलिए वहां मत जाओ। लेकिन हमारे ब्रदर है वहां पे। उसे भूल जाओ, अब तक तो कस्तूरी उसका सर कटवा चुकी है। बोलो, मंजूर है मेरी शर्त? ठीक है, वैसे भी तू अपाहिज अपने यंत्र के बिना क्या कर लेगा? जा लेकर आ कोयना को, ताकि मैं फिर से वैसी हो जाऊं। जाने से पहले हमारे सौदे पर हाथ तो मिलाता जा। सही, अपने लिए जा।